हे जीव स्त्री, तू भव सागर में डूब गई है और तूने अपना घर नष्ट कर लिया है। अंततः अब तू गुरु की रजा अनुसार आचरण कर, तू सत्य नाम का सिमरण कर, तू अपने प्रियतम प्रभु के महल का सुख प्राप्त कर लेगी। यदि तू हरि नाम का ध्यान करे तो तुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। तुझे इस पीहर जगत में केवल 4 दिन ही रहना है। यदि तुझे सत्य प्रभु प्राप्त हो जाए तो तू अपने वास्तविक घर प्रभु स्वरूप में जाकर बैठ जाए और वहां प्रतिदिन ही अपने प्रियतम के साथ रमण करे। हे लोगों, ध्यान पूर्वक सुन लो, भक्ति के बिना जीव स्त्री का अपने वास्तविक घर प्रभु स्वरूप में निवास नहीं होता। हे नानक, यदि जीव स्त्री सदैव ही सत्य नाम में मगन हो जाए तो वह प्रसन्न हो जाती है और प्रियतम प्रभु को प्राप्त कर लेती है। जब जीव स्त्री को अपना प्रियतम प्रभु अच्छा लगता है तो वह जीव स्त्री भी अपने प्रियतम प्रभु को अच्छी लगने लगती है। जब वह गुरु की वाणी द्वारा सिमरण करती है तो अपने प्रभु के प्रेम में मगन हो जाती है। जब वह गुरु के शब्द द्वारा चिंतन करती है तो वह अपने पति परमेश्वर की लाडली बन जाती है। वह अपने पति प्रभु के समक्ष झुक झुक नम्रता पूर्वक उसकी भक्ति करती है। जब वह अपना माया का मोह जला देती है तो उसका प्रियतम प्रभु बड़े उल्लास से उससे रमण करता है। जीव स्त्री सत्य प्रभु से मिलकर उसके प्रेम में मगन हो गई है। उसने अपने मन पर अंकुश लगा लिया है और वह बहुत सुंदर बन गई है। हे नानक, वह सुहागिन जीव स्त्री सच्चे पति प्रभु के घर अर्थात परमात्मा जी के स्वरूप में जाकर बस गई है और अपने प्रियतम से प्रेम प्राप्त करके उसकी प्रियतमा बन गई है। अपने प्रियतम प्रभु के घर में वही जीव स्त्री शोभा प्राप्त करती है जो अपने पति प्रभु को अच्छी लगने लगती है। जो जीव स्त्री झूठे वचन बोलती है वह झूठे वचन उसके किसी काम नहीं आते। वह झूठ बोलती है परंतु वह झूठ उसके किसी काम नहीं आता। उसका प्रियतम प्रभु उसे अपनी आंखों से देखता भी नहीं। उसके पति प्रभु ने अब गुणों से भरी हुई उस जीव स्त्री को भुला दिया है। वह परित्यक्ता स्त्री बन गई है और उसकी जीवन रूपी रात्रि प्रियतम के बिना दुखों में ही व्यतीत होती है। ऐसी जीव स्त्री गुरु के शब्द पर आस्था नहीं रखती। वह मृत्यु के जाल में फंस जाती है और अपने पति प्रभु के महल अर्थात प्रभु स्वरूप को प्राप्त नहीं करती। हे नानक, जब जीव स्त्री स्वयं ही अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेती है तो वह गुरु के द्वारा सहज अवस्था में लीन हो जाती है। वह सुहागिन नारी धन्य है जिसने अपना प्रियतम प्रभु जान लिया है। नाम विहीन झूठी जीव स्त्री झूठ का ही कार्य करती है। भगवान की भक्ति करने वाली जीव स्त्री अति सुंदर होती है और वह सच्चे प्रभु को अच्छी लगती है और प्रभु की प्रेम भक्ति में लीन रहती है। प्रियतम प्रभु बड़ा रंगीला यौवन संपन्न एवं जवान है। उसके प्रेम रंग में मगन हुई जीव स्त्री उसके साथ रमण करती है। वह गुरु के शब्द द्वारा प्रफुल्लित होती है, अपने प्रियतम के साथ आनंद करती है और अपनी की हुई भक्ति का गुणकारी फल प्राप्त कर लेती है। हे नानक, उस जीव स्त्री को सत्य प्रभु मिल जाता है। प्रभु के घर में
उसे बढ़ाई प्राप्त होती है और अपने प्रियतम के घर में बड़ी सुंदर लगती है। धनासरी छंत महला चार घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जीव कृपा करे ता नाम ध्याये जीव, सतगुर मिले सुभाई सहज गुण गाइये जीव, गुण गाए विघ से सदा अन दिन जा आप साचे भवाए, अहंकार हों में तजे माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप देता पाइये, हर जीव कृपा करे ता नाम ध्याये जीव, अंदर साचा नह पूरे सत गुरे जीव, हौ तिस से भी दिन रात मैं कदे न विसरे जीव, कदे न विसारी अन दिन संभारी जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता इह मन तृपते गुरमुख अमृत पीवा, नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध विचरे, अंदर साचा नह पूरे सतगुरे सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जीव, अन दिन रहे लिब लाई ता सहज समाए जीव, सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बेरागी, हलत पलत शोभा जग अंतर राम नाम लिब लागी, हर्ष सोग दुहाते मुक्ता जो प्रभ करे स भावे, सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जीव, दूजे भाई दुख होए मन मुख जम जोहिया जीव, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीव, माया दुख मोहिया हौ में रोहिया मेरी मेरी करत विहावे, जो प्रभ देई तिस चेते नाही अंत गया पछुताए, बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोया, दूजे भाए दुख होए मन मुख जम जोहिया जीव, कर कृपा लेह मिलाए महल हर पाया जीव, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन भाया जीव, प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ध्याया, नामो नाम मिली बड़े आई नानक नाम मन भावे, कर कृपा लेह मिलाए महल हर पावे जीव। अगर परमेश्वर जी अपनी कृपा करे तो ही उसके नाम का ध्यान किया जाता है, सद्गुरु मिल जाए तो सहज स्वभाव ही प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान होता है, यदि परमेश्वर को स्वयं भा जाए तो मनुष्य दिन रात उसकी महिमा गाकर सदैव ही प्रसन्न रहता है, वह अपना अहंकार अपने अहतत्व एवं माया के मोह को त्याग देता है और सहज ही नाम में समा जाता है, कर्ता परमेश्वर स्वयं ही सब कुछ करता है, जब वह स्वयं देन प्रदान करता है तो ही मनुष्य नाम की देन प्राप्त करता है। गुरु साहिब का फरमान है कि यदि भगवान अपनी कृपा करें तो ही उसके नाम का ध्यान किया जाता है। हे भाई, पूर्ण सतगुरु ने मेरे मन में प्रभु हेतु सच्चा प्रेम उत्पन्न कर दिया है, अब मैं दिन रात उसका ही सिमरण करता रहता हूँ और अब मुझे कदापि नहीं भूलता, मैं उसे कदापि विस्मृत नहीं करता और प्रतिदिन उसका ही सिमरण करता रहता हूँ, जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो जिंदा रहता हूँ, जब मैं अपने कानों से नाम श्रवण करता हूँ तो मेरा यह मन तृप्त हो जाता है, मैं गुरु के माध्यम से नाम अमृत ही पीता रहता हूँ। ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि करे तो मनुष्य को सतगुरु से मिला देता है और फिर गुरु की अनुकंपा से उसके मन में विवेक वृद्धि विचरण करती है। सतगुरु ने मेरे हृदय में सच्चा प्रेम लगा दिया है, यदि मनुष्य को अहोभाग्य से सतसंगति मिल जाए तो उसे हरि रस ही प्राप्त होता है, वह दिन रात
परम सत्य में ही अपना ध्यान लगाकर रखता है।